7 न्यूज़। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने जहां पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन में पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकालकर तैयारियों का आगाज किया है, जिसमें बड़वानी, सेंधवा ग्रामीण, सेंधवा शहर, वरला, बलवाड़ी, राजपुर, अंजड़खेतिया, पानसे मल सहित प्रमुख थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं कलेक्टर ने निर्वाचन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए संदेश जारी किए हैं। आइए सुनते हैं कलेक्टर ने क्या कहा। सभी बड़वानी जिले वासियों को मेरे तरफ से नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल अनुसार बड़वानी जिला जो है वो खरगोन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आता है। अतः चुनाव जो है वो चौथे चरण में होना है, जिसमें निर्वाचन जो है 13 मई 2024 को संपन्न होगा तथा काउंटिंग 4 जून 2024 को संपन्न होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। उसके तारतम्य में कुछ आदेश जो है जारी किए जा चुके हैं, जैसे कि धारा 144 के तहत आदेश निर्गमित हो चुका है। साथ में सभी जो शस्त्र हैं वो निलंबित किए गए हैं। साथ में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के भी प्रावधान जो है हमारे यहाँ से जारी हो चुके हैं। साथ में आचरण, सभाएं, जुलूस, राजनीतिक दलों के बारे में भी कुछ सामान्य निर्देश इस कार्यालय से जारी हो चुके हैं। साथ में अवकाश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, और जो शासकीय कर्मचारी होंगे उनके अवकाश स्वीकृति का अधिकार जो है सीओ जिला पंचायत को प्रदान किया गया है। और सभी जो हमारी टीम है, चाहे नगरीय निकाय हो या चाहे ग्रामीण निकाय हो, ग्रामीण निकाय के सीओ जनपद हो या सीएमओ नगर पालिका हो, सभी को संपत्ति विरूपण की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी हमारे सर्किट हाउस, चाहे पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस हो, वन विभाग के सर्किट हाउस हो, एनवीडीए के सर्किट हाउस हो, वो सभी अधिग्रहित किए जा चुके हैं। साथ में जो जनप्रतिनिधि गणों को लिपिकीय सुविधा दी गई थी उसको भी वापस लेने के निर्देश जारी हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग जो हैं बढ़ चढ़ के मतदान में पार्टिसिपेट करेंगे तथा शत प्रतिशत मतदान करेंगे। धन्यवाद। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।